हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफ क्लास 5th। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली, सो लेट्स कंटिन्यू डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट वी वर स्टडाइंग लेसन नंबर 7 विच नेम इज फूड फॉर हेल्थ। इन दिस लेसन वी हैव कंप्लीटेड इन माई प्रीवियस वीडियो रेफ्रिजरेशन, मीन्स ठंडा करके किस तरह से हम खाने को प्रिजर्व करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, ये हमने आपको बता दिया था। उसके बाद बच्चों आगे है वैक्यूम पैकिंग। ठीक, तो वैक्यूम पैकिंग से हम किस प्रकार से खाने का संरक्षण करते हैं, कैसे हम खाने को बचाते हैं खराब होने से, देखेंगे। तो बच्चों वैक्यूम पैकिंग इज द प्रोसेस इन विच फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो बच्चों वैक्यूम पैकिंग इज द प्रोसेस, यानी वैक्यूम पैकिंग एक प्रोसेस है इन विच जिसमें फूड आइटम्स आर स्टोर्ड, यानी खाद्य पदार्थों को रखा जाता है इन एयर टाइट कंटेनर्स, यानी ऐसे पात्रों में जिनमें एयर ना जा सके, यानी ऐसे पात्रों में रखा जाता है जहां पर एयर का प्रवेश ना हो सके। नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय वैक्यूम पैकिंग। तो जो नट्स होती है उनको हम संरक्षित करते हैं वैक्यूम पैकिंग के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों साल्टिंग। अब साल्टिंग से किस प्रकार से हम प्रिजर्व करते हैं खाद्य पदार्थों को, तो देखेंगे। साल्टिंग मीन्स होता है नमक डालकर, ठीक है, नमक के द्वारा। द प्रोसेस बाय विच मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड साल्टिंग। तो बच्चों द प्रोसेस वह प्रक्रिया बाय विच जिसके द्वारा मॉइस्चर इज रिमूव्ड, नमी को दूर किया जाता है, बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड साल्टिंग, यानी साल्ट डालकर वह साल्टिंग कहलाता है, यानी प्रक्रिया जिसमें नमक डालकर नमी को दूर किया जाता है वह साल्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? साल्टिंग। ठीक है, मीट इज जनरली प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, और सामान्यतया इस विधि के द्वारा मीट को संरक्षित किया जाता है। उसके बाद है बच्चों बॉइलिंग फूड। अब बच्चों बॉइलिंग मीन्स होता है उबालना, फूड मीन्स खाना, ठीक है, यानी खाने को उबाल कर प्रिजर्व किया जाना। जैसे अब खाने को उबाल के कैसे हम प्रिजर्व करते हैं, कैसे हम उसको संरक्षित करते हैं, कैसे बचाते हैं उसको बेकार होने से, तो देखेंगे। फूड लाइक मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग, यानी फूड खाना लाइक मिल्क जैसे कि दूध कैन बी प्रिजर्व्ड, संरक्षित किया जा सकता है बाय बॉइलिंग, उबाल कर। ठीक है, तो खाना जैसे दूध को उबाल कर हम संरक्षित करते हैं। बॉइलिंग किल जर्म्स प्रेजेंट इन द मिल्क। तो बच्चों बॉइलिंग यानी उबालने से किल जर्म, यानी जो जर्म्स होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं प्रेजेंट इन द मिल्क, जो दूध में उपस्थित होते हैं। ठीक, उसके बाद है मेकिंग पिकल्स एंड जाम्स। तो बच्चों अचार बनाना और मुरब्बा बनाना, ठीक है, अचार बनाकर और मुरब्बा बनाकर भी हम जो है खाने को संरक्षित करते हैं। ठीक है, खाद्य सामग्री को संरक्षित करते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म पिकल्स एंड जाम। ठीक, यानी फ्रूट्स मीन्स फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड, यानी इनको भी संरक्षित किया जा सकता है इन द फॉर्म पिकल्स एंड जाम्स, यानी आचार और मुरब्बे के रूप में। ठीक है, तो बच्चों आचार और मुरब्बे के रूप में फलों को और सब्जियों को जो है संरक्षित किया जा सकता है। टू मेक पिकल्स, यानी टू मेक पिकल्स, आचार बनाने के लिए कट वेजिटेबल्स आर मिक्स्ड विद सॉल्ट ऑयल एंड स्पाइसेस। तो बच्चों आचार बनाने के लिए कटी हुई सब्जियां मिक्स की जाती हैं, मिलाई जाती हैं किसमें, साल्ट ऑयल एंड स्पाइसेस, यानी इसमें हम मिलाते हैं साल्ट नमक को, ऑयल तेल को एंड स्पाइसेस और मसालों को। ठीक है, तो कटी हुई सब्जियों में, यानी अचार बनाने के लिए कटी हुई सब्जियों में नमक तेल और मसाले मिलाए जाते हैं। सॉल्ट एक्स एज ए प्रिजर्वेशन, यानी सॉल्ट एक्स, यानी जो नमक होता है वह कार्य करता है एक संरक्षक के रूप में। ठीक है, यानी नमक एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। नमक क्या करता है, वेजिटेबल्स में या वेजिटेबल्स में जो उपस्थित हमारी नमी है, जो मॉइस्चर है, उसको दूर कर देता है।
दिस पिकल्स स्टोर इन ए ड्राई जार, और बच्चों इस अजार को एक सूखे जार में रख दिया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घरों में भी हम अचार बनाते हैं जब उसको, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे आम का अचार बनाते हैं तो पहले कच्चे आम को क्या करते हैं, काटते हैं, उसमें नमक मिलाकर क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं, जिससे उसमें जो उपस्थित नमी होती है वो सब दूर हो जाती है, और एक सूखे बर्तन में उसमें मसाले वगैरह मिला के उसमें भर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा अचार रेडी हो जाता है और वह वो लंबे समय तक चलता है। उसके बाद बच्चों फ्रूट्स आर बॉइल्ड विद शुगर टू मेक जाम, तो बच्चों फ्रूट्स आर बॉइल्ड यानी फ्रूट्स मीन्स क्या होता है फल, आर बॉइल्ड उबाले जाते हैं विद शुगर चीनी में, यानी फल चीनी में उबाले जाते हैं टू मेक जैम, जैम बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए। हेयर यहां शुगर एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव, तो बच्चों यहां पर जो चीनी होती है एक संरक्षक के रूप में कार्य करती है। पिकल्स एंड जाम्स कैन बी प्रिजर्व्ड थ्रू आउट द ईयर, तो बच्चों आचार और मुरब्बा को सालों तक संरक्षित किया जा सकता है, यानी अचार और मुरब्बा सालों तक संरक्षित हो जाता है। ठीक है, उसे हम कई साल तक खा सकते हैं अचार को भी। ठीक है, ये खराब नहीं होते हैं। आगे देखेंगे बच्चों कैनिंग और बॉटलिंग। अब बच्चों कैनिंग और बॉटलिंग क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, देखो बोतल में कैन में हम बहुत सारी वस्तुओं को रखते हैं जिससे वो खराब नहीं होती हैं। ठीक, जैसे सम फूड्स गो बैड व्हेन दे कम इन द कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर इन द एयर, तो बच्चों कुछ खाद्य पदार्थ गो बैड बेकार हो जाते हैं व्हेन दे कम इन द कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर इन द एयर, जब वे हवा में उपस्थित नमी के संपर्क में आते हैं। तो बच्चों कुछ खाद्य पदार्थ जब नमी हवा में उपस्थित नमी के संपर्क में आते हैं तो वे खराब हो जाते हैं। फ्लोर बिस्किट शुगर इटीसी यानी आटा बिस्किट और चीनी आदि रिमेन फ्रेश व्हेन दे आर कैप्ट इन द ड्राई कैन, तो बच्चों वह रिमेन फ्रेश यानी ताजे रहते हैं व्हेन दे आर कैप्ट इन ए ड्राई कैन, जब उनको एक सूखे कैन में रखा जाता है, टीन टीन में रखा जाता है, और जार ये जार में रखा जाता है विद ए टाइट लीड एक टाइट ढक्कन के साथ। द लिड ऑल्सो कीप्स अवे हार्मफुल इंसेक्ट एंड एनिमल्स लाइक फ्लाइज कॉकरोचेस लिजार्ड एंड रैट्स, तो बच्चों द लिड ऑल्सो कीप अवे यानी जो ढक्कन होता है वह दूर करता है हार्मफुल इंसेक्ट यानी जो नुकसानदायक कीड़े होते हैं एंड एनिमल्स और जानवर होते हैं लाइक जैसे फ्लाइज मक्खियां कॉकरोचेस कॉकरोच लिजार्ड छिपकली एंड रैट्स और चूहे, यानी इनको क्या करता है बचाता है खाने को बचाता है। कौन बचाता है ढक्कन बचाता है, जब ढक्कन टाइट लगा हुआ होता है तो उसमें ना ही कॉकरोच घुस सकता है ना ही जो है लिजार्ड घुस सकती है ना ही रैट्स घुस सकते हैं। ठीक है, ना ही मक्खियां उन पर बैठ सकती हैं। ओनली ड्राई फूड कैन बी स्टोर्ड बाय दिस मेथड, तो जो इस प्रक्रिया के द्वारा केवल जो सूखे खाद्य सूखी खाद्य सामग्री होती है उसको स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं फूड इज प्रिजर्व्ड इन टीन्स एंड जार्स, यानी खाने को इन टीन और जार में जार के जो डिब्बे हैं टीन और जार के डिब्बे उसमें रखा गया है। आगे है बच्चों पैस्टुरिएशन, पैस्टुरिजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों पाश्चुरीकरण होता है बच्चों, ये जैसे लुईस पैश्चर इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ पैस्टुरिजेशन टू प्रिजर्व मिल्क, तो बच्चों लुईस पैस्टर बच्चों एक वैज्ञानिक हैं, इन्वेंटेड जिन्होंने खोज की द प्रोसेस प्रक्रिया की ऑफ पैस्टुरिजेशन यानी पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की। ठीक, इन्होंने निर्माण किया टू प्रिजर्व मिल्क यानी दूध को संरक्षित करने के लिए। मिल्क इज प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, इस प्रक्रिया के द्वारा दूध को संरक्षित किया जाता है इन पाश्चुरिजेशन यानी पाश्चुरीकरण में द मिल्क इज फर्स्ट हीटेड एंड देन कूल्ड डाउन टू किल ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, तो बच्चों इस प्रक्रिया में पहले दूध को गर्म किया जाता है उसके बाद ठंडा किया जाता है दूध में उपस्थित जो जर्म्स होते हैं जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारे क्या कहलाती है पाश्चुरीकरण कहलाती है। आप देख सकते हैं ये लुईस पैश्चर हैं, इनकी पिक्चर यहां पर दी गई है। ठीक, तो बच्चों आज हमने इस लेसन की
पूरी रीडिंग आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको रीडिंग अच्छे से आई होगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इस लेसन की एक्सरसाइज को। जब तक के लिए थैंक यू। अपना वर्क पूरा करते रहें और लेसन को रिवाइज करें।